डी स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी एनर्जी के बारे में जो कि फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स में पाई जाती है ये एनर्जी कहलाती है एनिसोट्रॉपी एनर्जी फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स में एक अलग तरह की एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो कि मैग्नेटाइजेशन को किसी सर्टेन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के अलोंग डायरेक्ट करती है ये कहलाते हैं डायरेक्शन ऑफ इजी मैग्नेटाइजेशन। और इस तरह की एनर्जी जो है वो कहलाती है एनिसोट्रॉपी एनर्जी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोबाल्ट एक हेक्सागोनल क्रिस्टल है तो हेक्सागोनल एक्सेस जो है वो डायरेक्शन ऑफ इजी मैग्नेटाइजेशन होगा रूम टेम्परेचर पे। आयरन जो है वो एक क्यूबिक क्रिस्टल है तो इसके लिए जो क्यूबिक एक्सेस होगा वो डायरेक्शन ऑफ इजी मैग्नेटाइजेशन होगा अब ये डायरेक्शन ऑफ इजी मैग्नेटाइजेशन क्या होता है इसको हम समझने के लिए इस प्लॉट की सहायता लेंगे आयरन के केस में इजी डायरेक्शन जो है वो 100 कहलाता है मीडियम डायरेक्शन 111 110 और हार्ड डायरेक्शन 111 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लॉट बनाया गया है जिसमें कि एक्स एक्सिस में एच और वाई एक्सिस में एम लिया गया है ये वन जीरो जीरो डायरेक्शन है सबसे ऊपर वाला उसके बाद है वन वन जीरो उसके बाद है वन 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 तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वन जीरो ज़ीरो जो है यहाँ पे बड़ी आसानी से ये बहुत एच की काफ़ी कम वैल्यू में सैचुरेशन को प्राप्त कर जाता है जबकि वन वन ज़ीरो और वन 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 जो हैं ये काफ़ी देर से सेचुरेशन को प्राप्त करते हैं सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वन 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 को प्राप्त होने में सेचुरेशन को इसीलिए जो हार्ड डायरेक्शन है वो वन 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 होगा अब जो डिफरेंस है हमने जो कहा इजी हार्ड डायरेक्शन में जो डिफरेंस है वो ये है कि सेम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रांग फील्ड की ज़रूरत पड़ती है हार्ड डायरेक्शन में जैसा कि हमने इस ग्राफ में देखा कि वन 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 जो है उसमें ज़्यादा फील्ड की ज़रूरत पड़ी हमको स्ट्रांग फील्ड अप्लाई करना पड़ा तब सेचुरेशन मिल पाया वन जीरो जीरो में कम फील्ड अप्लाई करने से ही सेचुरेशन मिल गया हमको आयरन जो है वो एक क्यूबिक क्रिस्टल है जैसा हमने ऑलरेडी कहा और क्यूब के जो एजेस हैं वो इसमें डायरेक्शन ऑफ इजी मैग्नेटाइजेशन होंगे जो भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा वही जैसे हेक्सागोनल क्रिस्टल है तो इजी डायरेक्शन ऑफ इजी मैग्नेटाइजेशन होगा हेक्सागोनल डायरेक्शन क्यूबिक है तो क्यूब के एजेस ये जो एनर अनीसोट्रापी एनर्जी है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आयरन में जैसे अगर हम बात करें तो डायरेक्शन जो लिए गए हैं उसके डायरेक्शन को साइंस अल्फ़ा वन अल्फा टू अल्फ़ा थ्री लिए जाते हैं जो कि क्यूब के एजेस है यहाँ पर हम क्यूबिक सिमेट्री का इस्तेमाल करेंगे जो एक्सप्रेशन है एनीसोट्रोपी एनर्जी की वो इवन पावर में होगी अल्फ़ा आई के साथ में कंडीशन अप्लाइड रहेगा कि जो अपोजिट एंड है क्रिस्टल एक्सिस का वो इक्वेलेंट होंगे मैग्नेटिकली और उनको इनवेरिएंट होना होगा अंडर इंटरचेंज ऑफ अल्फ़ा आई एमोंग टेम्स यानी उनकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए अगर आप अल्फ़ा आई को बदल रहे हैं तब भी तो लोएस्ट ऑर्डर कॉम्बिनेशन जो इस सेट सिमेट्री रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है वो है अल्फा वन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टू स्क्वायर प्लस अल्फ़ा थ्री स्क्वायर लेकिन इसकी वैल्यू जो है ये यूनिटी के बराबर है और वो एनिसोट्रॉपी को डिस्क्राइब नहीं कर पाता है ठीक है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन फोर्थ डिग्री का होता है अल्फ़ा वन स्क्वायर अल्फा टू स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टू स्क्वायर अल्फा थ्री स्क्वायर प्लस अल्फा थ्री स्क्वायर अल्फ़ा वन स्क्वायर और सिक्स डिग्री अल्फ़ा वन स्क्वायर अल्फा टू स्क्वायर अल्फा थ्री स्क्वायर तो एनिसोट्रॉपी एनर्जी डेंसिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे यू के इज इक्वल टू के वन अल्फा वन स्क्वायर अल्फा टू स्क्वायर प्लस अल्फा टू स्क्वायर अल्फ़ा थ्री स्क्वायर प्लस अल्फा थ्री स्क्वायर अल्फा वन स्क्वायर साथ में के टू के वन के साथ हमने फोर्थ डिग्री को लिया के टू के साथ हमने सिक्स डिग्री को लिया ये देखिए फोर है ना इनका डिग्री और इसका जो है वो सिक्स है रूम टेम्परेचर में आयरन के लिए के वन और के टू की ये वैल्यू होती है तो एनीसोट्रोपी एनर्जी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है जब हम फेरोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू